बहादुराबाद टोल प्लाजा की व्यवस्था हुई फेल। दिन भर रेंग रेंग कर गुजरती रही गाड़ियां, घंटों जाम में फंस कर बिलखते रहे लोग। बहादुराबाद टोल प्लाजा भी बना हरिद्वार मुख्य मार्ग पर जाम का मुख्य कारण। इस टोल प्लाजा की व्यवस्था फेल हो गई और घंटों जाम में बिलखते रहे थे लोग। बहादुराबाद टोल प्लाजा बहादुराबाद पर आज गंगा स्नान के मौके पर हरिद्वार जाने आने वाले यात्रियों का जमावड़ा लग गया, जिसकी वजह से टोल प्लाजा पर जाम में यात्रियों को एक घंटा से आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा, जिसकी वजह से छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, बीमार व्यक्ति सभी जाम में घंटों फंसे रहे एवं लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन के अनुसार टोल प्लाजा पर चंद सेकंडों के लिए ही रोका जा सकता है, अन्यथा उनको किसी भी तरह से व्यवस्था बनाकर यात्रियों को परेशानी ना हो आगे की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन यहां बहादुराबाद स्थित टोल प्लाजा पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना मिल रहा है। और ऐसे ही एक सवाल हरिद्वार के आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बनता है कि क्या वह हरिद्वार आया जाए या फिर जाम में घंटों परेशान होते रहें। अब हरिद्वार की व्यवस्था पर उत्तराखंड सरकार को कुछ न कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी, या फिर कहना गलत नहीं होगा कि बहादुराबाद स्थित टोल प्लाजा की व्यवस्था चरमरा गई है। एक और जहां फास्ट ट्रैक को लेकर बड़ा दावा किया जाता है, इस सुविधा को लेकर आपको टोल प्लाजा पर क्रॉस होने के लेकर वेट इंतजार नहीं करना होगा। वहीं इस कालम की धज्जियां उड़ाते बहादुराबाद टोल प्लाजा पर घंटों जाम में लोग फंसे रहे और दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। नदीम सलमानी, विरोची, हरिद्वार। वो काम भी करा लिया गवर्नमेंट ने, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कितना जाम लगा है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया और दिक्कतें ही आती हैं, अपने ही डीजल चल रहे हैं और से ज़्यादा क्या दिक्कतें आएंगी।